हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंगाक्ष एजुकेशन। पहले भी मैंने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं और आज मैं आपको बताऊंगी मेक रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट मेक रिलेटेड जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं उनकी क्या मीनिंग्स होती हैं और उनको सेंटेंसेस में कैसे हम लोग यूज करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाउ वी आर यू गोइंग टू यूज द फ्रेजल वर्ब विद मेक। माई फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का मतलब होता है रन आफ्टर। रन आफ्टर मीन्स पीछे पीछे भागना। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, द पुलिस मेड आफ्टर द थीफ। मतलब पुलिस चोर के पीछे भागी, चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे गई। नेक्स्ट इज मेक अवे। मेक अवे का मतलब होता है किल। किल मीन्स मार डालना। ही मेड अवे विथ हिमसेल्फ। उसने खुद को मार दिया, खुद को किल कर लिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब होता है मूव टूवर्ड्स, मतलब किसी ओर जाना। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, द शिप मेड फॉर लंदन। शिप लंदन की तरफ जाने लगा, मतलब लंदन की तरफ गया। द शिप मेड फॉर लंदन। नेक्स्ट वर्ड इज मेड ऑफ। मेड ऑफ का मतलब होता है कंपोज ऑफ। कंपोज ऑफ मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं ना, ये चीज़ इससे बनी है, द थिंग इज मेड अप ऑफ, वैसे ही। सी द एग्जाम्पल, दिस ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड। ये ऑर्नामेंट, ये गहना सोने से बना हुआ है। नेक्स्ट इज मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है स्केप। स्केप का मतलब होता है बचकर भाग लेना। द थीफ मेड ऑफ विद द ऑर्नामेंट्स। चोर ऑर्नामेंट्स लेकर बचकर भाग गया। इसको हम लोग मेड ऑफ का इंग्लिश में मीनिंग होता है स्केप, और इसमें ओ में डबल एफ होती है। नेक्स्ट इज मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। I can't make out your words. तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे शब्दों को मैं नहीं समझ सकता। I can't make out your words. Next is makeover. Makeover का मतलब होता है transfer, means दूसरे को दे देना, transfer कर देना। He has made over the charge to the secretary. उसने secretary को charge transfer कर दिया, मतलब दे दिया। So he has made over the charge to the secretary, right? Next word is makeup. Makeup means complete, पूरा करना। See the example sentence, I still need rupees 100 to make up the loss. मतलब मुझे loss हुआ था, मैंने सारा loss तो recover कर लिया, लेकिन अभी भी 100 रुपये मुझे और recover करने होंगे और पाने होंगे इस loss को recover करने के लिए। So I will say, I still need rupees 100 to make up the loss. My next phrasal verb is make up for. Make up for का मतलब होता है compensate करना। मतलब बोलते हैं ना हम लोग, जो गलती की है उसको compensate करो, जुर्माना भरो, इस टाइप से क्षति की पूर्ति करो। I must make up for the lost time. मेरा जो टाइम बर्बाद हो गया या मैंने जो टाइम लॉस किया, जो टाइम मैंने बर्बाद किया, उससे उस टाइम को मुझे कॉम्पनसेट करना होगा। मीन्स उस टाइम की मुझे भरपाई करनी होगी, क्षतिपूर्ति करनी होगी। राइट, माई लास्ट फ्रेज विथ मेक इज मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है रिजॉल्व। रिजॉल्व का हिंदी मीनिंग होता है अपने दिमाग को प्रिपेयर करना, अपने दिमाग को बनाना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, माइंड को सेट करना। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, ही मेड अप हिज माइंड टू गो देयर। मीन्स उसने अपना दिमाग बनाया कि मैं वहाँ जाऊँगा। एक माइंड सेट करना पड़ता है ना किसी काम को करने के पहले, कुछ करना है उसको सोचने के लिए मुझे एक माइंड सेट करना पड़ता है। तो ही मेड अप हिज माइंड टू गो देयर। सो ये हमारे फ्रेजेस थे मेक रिलेटेड। इनकी मीनिंग्स को समझिए, इनको डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बोलने की स्पीकिंग पावर बढ़ेगी
और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।